brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सपा कार्यालय सम्मेलन में शिवपाल यादव के सामने ही उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का प्रस्ताव पास हो गया है। शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को लड़ाने के लिए प्रस्ताव पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा गया है। इस बारे में आखिरी फैसला सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही करेंगे। दरअसल पूरा मामला यूपी के संभल जनपद के कस्बा बबराला का है। ये इलाका बदायूं लोकसभा में आता है और यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों ही मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में शिवपाल यादव की जगह शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस बात की तस्दीक खुद शिवपाल सिंह यादव ने की है, आप भी सुनिए। लेकिन यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। वही धर्मेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि चाचा के लिए वोट मांगने में संकोच होता था, लेकिन आदित्य को लड़ाएंगे भी और जिताएंगे भी। आदित्य के नाम पर और ज्यादा काम करेंगे, पूरा का पूरा समाजवादी परिवार एक साथ है। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। वही हम लगातार समाजवादी पार्टी में हो रहे फेरबदल के बीच में बीजेपी इस मामले पर ना बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। आदित्य यादव के नाम की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना था कि हाथ मलते रहेंगे सपाई और टिकट पाएंगे चाचा और भाई। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई, यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया, अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है, उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। तो समाजवादी पार्टी में अंदर खाने काफी ज्यादा उठा पटक मची हुई है और इसी बीच शिवपाल सिंह यादव लंबे समय से चाहते थे कि ये टिकट उनके बेटे को मिले और ऐसे में आखिरकार क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देखकर तो यही लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। वही धर्मेंद्र का ये बयान भी अपने आप में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है कि चाचा के लिए थोड़ा संकोच था लेकिन आदित्य को लड़ाएंगे भी और जिताएंगे भी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे पीछे कैमरे के मेरे साथी हैं कमर, नमस्कार।